यहाँ से निकलता है तो अंदर से गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। भूमियार का शुरुआत भू, इस भूमंडल के सारे जाति, इस भूमंडल के सारे प्राणी, सारे जीव जंतु हमारे अंदर समावेश, सभी का हम सम्मान करते हैं, सभी का हम कद्र करते हैं और सभी से असीम प्रेम करते हैं। साथियों, सबसे पहले तो हम अपने मुख्य अतिथि, आप जिनके सुनने, जिनको देखने और जिनके जिनसे मिलने यहां इस भीषण गर्मी में आए हैं। जब हम निमंत्रण दे रहे थे तब भी गर्मी बहुत कठिन परीक्षा ले रही थी, और जब ये सम्मेलन में आप लोग आए हुए थे करीब 3 घंटा 4 घंटा से आप यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। हम समझ सकते हैं आपकी पीड़ा, क्योंकि हम भी काफी अंदर से परेशानी महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों का उत्साह देखकर हम काफी उत्साहित हैं, और इसी उत्साहित से आप सभी लोगों का जोश को मिलाकर हम अपने सबसे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री जीतन राम मांझी साहब, भूतपूर्व मुख्यमंत्री बिहार सरकार का, आप सभी बख्तियारपुर वासियों की तरफ से, आप सभी जहानाबाद जिले वासियों की तरफ से, आप सभी भूमियारों की तरफ से हम हार्दिक स्वागत करते हैं, बहुत बहुत वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले तो ये कार्यक्रम का जब हम फेसबुक पे डाले कि हमारे बीच इतने तारीख को आदरणीय भोला बाबू आने वाले हैं, तो आप लोगों को पता है 1,57,000 व्यूअर हम उनको देखा उस कार्यक्रम, मतलब इतने लोगों ने देखा, इसका मतलब इतने लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ। तो आज मतलब हम समझते हैं कि समस्त चहराबाद में इनको लेके एक उत्सुकता था, इनको लेके एक जागरूकता था और एक अजीब तरह का उत्साह था, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के पास पर्सनली संपर्क किए और सभी लोगों का शिकायत था कि कार्यक्रम स्थल बहुत ही छोटा है, और हम आपसे सहमत भी दिखते हैं क्यों, लेकिन मजबूरी ये थी कि ये चुनावी समय है, हम कार्यक्रम कहीं भी नहीं करा सकते, इसके लिए परमिशन लेना होता है, और गर्मी को देखते हुए यहाँ पर थोड़ा हमको छाया जैसा माहौल दिखा, और तब हमने निर्णय लिया कि इसी स्थल पर हम अपने आदरणीय सम्माननीय भोला बाबू, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता भोला बाबू, हमारे नेता भोला बाबू, और हम जहानाबाद वासियों का गर्व से इस पूरे देश में, इस पूरे दुनिया में सीना चौड़ा कराने वाले आदरणीय भोला बाबू का आप सभी तरफ से हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के बीच एक बात बताना चाहते हैं, हमारे भोला बाबू कितने उदार हैं और कितने लोगों के प्रति समर्पित हैं। अभी कुछ दिन पहले हम अपने जीवन के बहुत बुरे दौर से गुजरे, हमारे जीवन से एक बेशकीमती, मतलब समझ लीजिए कि एक पल तो ऐसा लगा कि मेरा ही प्राण निकल गया, और उस वक्त मेरी माँ गुजर गई, लेकिन उसके पहले मेरी माँ एम्स में भर्ती थी, और संडे का वो दिन था, रविवार का दिन, और हमारे भाई लोग चाहते थे कि एचओडी जो है, एचओडी एक तरह से समझिए कि मुख्यमंत्री होता है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, हम लोग चाहते थे कि मेरे माँ का केयर, मतलब डायरेक्ट आकर एचओडी करे, हम लोगों के पास कोई रिसोर्स नजर नहीं आ रहा था। मेरा भाई बोल रहा था कि एचओडी जो है मैं प्राइवेट तो बैठते होंगे, जो पैसा ले, लेकिन किसी तरह उनको बुलाया जाए। पता नहीं क्या मेरे दिमाग में काम किया, या कष्ट में तो भोला को ही याद किया जाता है ना, शंकर भगवान को ही याद में किया जाता है, तो शंकर भगवान का ही रूप है भोला बाबू। हमने उनको फोन लगाया, उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया, एचओडी से बात किया, और फिर एचओडी ने हम सभी परिवार को वहां बुलाया, और लगा कि भाई गोतिया परिवार जैसा अंदर संवाद किया, एक एक चीज विषम परिस्थिति को समझाया और बताया कि हम इसे चुनौती रूप में लेते हैं। भोला बाबू का फोन आया था, हम इसमें सब कुछ अपना झोंक देंगे।
लेकिन उसके बाद ही ठीक है पैरवी कोई भी करता है, इतना तक हो सकता था, लेकिन प्रतिदिन डॉक्टर रिपोर्ट जो मेडिकल में रहता है वो प्रतिदिन ही लेकर हमको सुबह शाम व्हाट्सएप करते थे और अपने शब्दों में समझाते थे कि यहाँ पे क्रिटिकल पोजीशन है। और उस पूरे दिन में जो इन्होंने मदद किया, हम सच में इनके आभारी हैं और जीवन भर आभारी रहेंगे। और इसी का परिणाम है कि जब इनका कार्यक्रम, जब हमें पता चला कि ये आने वाले हैं, तो हम खुद से इनसे संपर्क किए और बताया कि सर आपका पहला कार्यक्रम हम मकदूमपुर में लेना चाहते हैं। और हमने ये कार्यक्रम इसी के लिए, इन्हीं के प्रतिष्ठा में समर्पित, हम समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों मुख्य अतिथि जो यहाँ आए, इसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मंचा सिंह हमारे बीच उपस्थित है, जहानाबाद जदयू के जिला अध्यक्ष आदरणीय गोपाल भैया का हर समय स्नेह इनका हम लोग पे रहता है। हर अच्छी परिस्थिति बुरी परिस्थिति सभी में इनका साथ मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जदयू के वरिष्ठ नेता राजू भैया गिंजी के हैं, सब लोग नाम जानते करते हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और प्रिंस जी को कौन नहीं जानता, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो समर्पण इन्होंने हम लोगों के प्रति दिखाया है, इनको हम लोग फिर से आप सभी लोगों की तरफ से दिल से स्वागत करते हैं। यहाँ मंच पर बैठे हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता, हाल में 13 विधान गया लोकसभा चुनाव में हमारी पार्टी को, हमारे नेता को बहुत ही समर्पण के साथ समर्थन दिखाया था। महिला नेत्री ब्रह्मांड हिल जाना चाहिए था, ये ब्रह्मांड चल जाना चाहिए था। क्या हम गलत है? आप लोग बताइए, क्या ब्रह्मर्षि का गुस्सा आने से ये नॉर्मल सा माहौल रहेगा, ये लोकसभा चुनाव के लिए रहेगा? नहीं, ये थोड़ा बहुत लोकसभा का चुनाव है तो थोड़ा हम इंटरेस्ट लेंगे, मजा लेंगे लोकसभा चुनाव का। और इस मजा लेने का हमारा पुराना आदत रहा है ना आदत, और लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, इसका आनंद नहीं उठाएंगे तो कहते हैं कि नाराज है। कोई नाराजगी नहीं है, थोड़ी बहुत तो नाराजगी रहेगी, थोड़ा हम भी आंखें तरेरे हुए थे टिकट मिलने के पहले, लेकिन अब समर्पण है, 100% समर्पण। और हम आप सभी लोगों से वही समर्पण चाहते हैं। हम आपका अगली पीढ़ी का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। अगर आप लोग अपना भरपूर समर्थन देंगे तो आपके मान सम्मान की तरफ कोई आंख भी नहीं दिखा सकता। ये मेरे अंदर कैलिबर होना चाहिए, कैसे हैंडल करें ऊपर का सिचुएशन, को और आपको गौरवान्वित कराने का काम करें। ऐसा नहीं कि ऊपर के चुनौती से हम हार जाएं और आपके बीच में आकर कहें कि फलाना एक्सक्यूज चिलाना एक्सक्यूज, नहीं। आपका काम सिर्फ समर्थन देने का है, आप लोग सिर्फ समर्थन दीजिए और बस, बाकी सेवा भाव हम करेंगे। वो कैसा होगा वो हम तय करेंगे, वो आपके अनुरूप होगा, आपके स्वभाव के अनुरूप होगा। हमें पता है आप पकड़ रखने वाले लोग हैं, हमें पता है आप सेवा भी लेने वाले लोग हैं, तो हम देंगे ना, हम आपके स्वभाव के अनुरूप सेवा करते हैं। एक छोटी सी संस्था नगर पंचायत मकदूमपुर में आप लोगों ने समर्थन दिया, हमारे गांव वासियों ने हमें वार्ड के रूप में चुना, लेकिन हम बहुत सारा शिकायत होता है, हर समय शिकायतों का पोटली लेकर हमारे बीच, हम समझते हैं हर कोई लगता है कि हमसे नाराज है, लेकिन हम उसका आनंद उठाते हैं, हम कभी उफ नहीं करते, क्योंकि पता है वो क्षणिक है, उसका एक मजा है। आप लोगों का गुस्सा भी सहना एक अलग आनंद देता है। आप पहले वार्ड चुने, फिर चेयरमैन वहां भी बने, और आप ही लोगों का आशीर्वाद है नगर पंचायत के ऊपर, अभी डायरेक्ट चुनाव हो गया, फिर आप लोग समर्थन दिए, समाज के सभी लोगों ने समर्थन दिया, सभी लोगों ने समर्थन। 25 के बाद हमारा समाज के सभी वर्गों के साथ सम्मेलन होगा, सभी वर्गों को लेकर हम फील्ड में निकलेंगे। हम सब एक है, NDA एक है। एक चीज के लिए हम लोग को मजाक उड़ाया जाता है,
हम कहते हैं कि हम मोदी का फैन है, मोदी जी का फैन है, तो लोग कहते हैं कि पागल है सर मोदी। अरे भाई मोदी जी का पूरा देश और पूरी दुनिया तो हमको उल्लू का पट्टा क्यों समझ रहे हो? अगर हम उल्लू का पट्टा ही है तो हमको उल्लू का पट्टा ही समझो। हमें देश का सम्मान प्यारा है, हमें देश का गौरव प्यारा है। प्रधानमंत्री का ये जो 5 साल का कार्यकाल रहा उसमें कोई एक पल हमने ऐसा नहीं देखा जो उन्होंने निर्णय लिया हो और हम लोग गौरवान्वित महसूस नहीं किए। प्रत्येक पल में दुनिया में भारत का डंका बजा, ये हमने महसूस किया, ये हमने देखा है। और आज चुनाव के बाद उनके मेहनत का इनाम देने का समय है, लेकिन लोकल स्तर पे छोटा मोटा मिस्टेक हो गया। अब उसके लिए हम उनको मजदूरी नहीं दें, मेहनत कराकर मजदूरी नहीं देना, क्या ये अच्छा काम है? आप लोग बताइए, मेहनत उन्होंने किया, आप लोगों के विचार, आप लोगों के बताए हुए रास्ते पर चलकर देश का मान और सम्मान बढ़ाया, और हम लोग क्या करेंगे? उनको वोट नहीं देंगे। वोट किनको दे देंगे? सुरेंद्र प्रसाद यादव जी को जिता देंगे। कौन है वो? कौन है वो? समाज के प्रति, किसी भी समाज के प्रति वो सम्मान नहीं रखते। उनके आरा से आने से समाज में जो है बहुत ही खराब माहौल। हम बोलेंगे नहीं, कुछ लोग हमको धमकी देने का काम करते हैं, मीठा मीठा धमकी। अगर डायरेक्ट धमकी देंगे तो हम बहुत गाली देंगे, लेकिन मीठा मीठा धमकी दे रहे थे। हम कहें कि हम करने वाले नहीं है, क्योंकि हम ब्रह्मर्षि है, हम भूमिहार है, भूमिहार हम एक है। हम बहुत कुछ आप लोगों से बोलना चाहते हैं, लेकिन हम अकेले में बात करेंगे। आज तो हमारे आए हुए अतिथि आपसे बात करेंगे, हम इतना ही कहेंगे, बात भरा हुआ है। और आप लोगों के महफिल में लग रहा है कि छुपे नहीं हो, आप लोगों को जहानाबाद के जिला गांधी मैदान में भी आने वाला समय में हम बुलाएंगे। और जब हमारे मांझे जी और भोला बाबू आदेश कर देंगे, कहेंगे कि तुमको में हम मजबूत दिखता है, कुछ मेहनत करके दिखाओ, तो पटना के गांधी मैदान भी बुलाएंगे। आइएगा ना, आइएगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद। अब रखते हैं, आप ज्यादा नहीं बोलेंगे, नेक्स्ट पर्सन।